The Indian city of Bhopal is famous for its vintage jeeps. It has some of the world's oldest and finest models. सलाम, ये भोपाल मियां, मध्य प्रदेश की राजधानी, एक अनोखा पर छुपा हुआ शहर। यहाँ ट्रैफिक की लाइनों से लंबी लोगों की बातें होती है। यहाँ का इतिहास किसी आम शहर जैसा नहीं। जहाँ एक तरफ राजाओं ने राज किया, वहाँ भोपाल को बेगमों ने संभाला। मियां चाय की चुस्की के साथ तालाब के वो नजारे और वीआईपी पे खड़े होके हवा के हल्के हल्के झोंकों को आप भूल नहीं पाओगे। आगे बढ़ने की दौड़ में भोपालियों ने बहुत कुछ देखा, पर जो चीज ठहर गई वो थी भोपाल की झीलें और यहाँ की संस्कृति। भले ही बेगमों और नवाबों का दौर चले गया हो, पर वो रुतबा और शौक आज भी यहाँ के लोगों में झलकता है। शौक की लिस्ट यहाँ की कभी ना खत्म होने वाली बातों जैसी है, पर इन सब से ऊपर एक ऐसा शौक जो हर गली, हर मोहल्ले, हर गराज की शान बढ़ाती है, जो आज भी इस शहर का इतिहास बताती है, जो हर शाम सड़कों की शान बढ़ाती है, जो 42, 52, 67 के नामों से जानी जाती है। भोपालियों के लिए ये है कि भोपाली तो ऐसा है कि साहब शौक है, बस वो तो शौक है, बस वो तो घूमने की आवारा कर दी, समझा? ऐसा पान की दुकान पे लगा दी, चाय की दुकान पे लगा दी, कहीं भी घूमने जा रहा है पिकनिक के लिए तो ऐसे लगा दी, बस काम में। या फिर रेसें लड़वाते रहते हैं, कच्चे के अंदर रेसें, कच्चे के अंदर डाल के गाड़ी को उससे रेस भी करते रहते, रैली खेलते रहते हैं, इस काम में आती है। वो सिर्फ नवाब भोपाल ने शुरू करा था। नवाब भोपाल के पास आई थी गाड़ियाँ, ब्रांड न्यू गाड़ियाँ थी, उन्होंने ऑर्डर बेस के ऊपर गाड़ियाँ आई थी, सब वहीं से ट्रेन चालू हुआ। नवाब साहब के अलावा किसी के पास गाड़ियाँ नहीं थी भोपाल में, और नवाब साहब के यहाँ का काम हमारे फादर नाना करते थे, फादर करते थे, मैंने भी 1970 तक करा है, 72 तक। ये मिलिट्री आर्मी अमेरिका, उन लोगों ने फौज के लिए बनवाई थी कुछ, शायद 500 गाड़ियाँ ऐसी बनी थी पहले ट्रायल पे लेने के लिए, उसके बाद सक्सेस हो गई तो फिर शायद उन्होंने जो जर्मन से जंग हो रही थी उसमें, उस जंग में इस गाड़ी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया था। तो अंग्रेजों की जंग से नवाबों के शौक तक का सफर जीप ने यूं ही तय नहीं किया। उस दौर से शुरू हुआ ये सिलसिला भोपाल को एक अलग पहचान देने में सबसे आगे रहा है। इंजन साइड वाल होता है, बहुत ताकतवर इंजन होता है, और खड़ी पहाड़ पे चढ़ जाती है, बिल्कुल खड़ी पहाड़ पे, कहीं रुकती नहीं है गाड़ी, कच्चे में चली जाती है। लोगों ने आधी आधी जीप पानी में उतार के चलाई है, और हमारे फादर ने तो आगरा में 11-11 बोगियों को रेलवे की लाइन के ऊपर, रेलवे ट्रैक के ऊपर खींचते हुए देखा है, इससे फोर्ट से 11 बोगियाँ खींचते हुए देखी अपनी आँखों से। क्या है साली पे कलर नहीं हो, खंडर हो रही हो, डेंटिंग पेंटिंग मांग रही हो, मैं जीप ही अच्छी लगती, कार अच्छी नहीं लगती। अच्छा, इसमें आप कार में कितने बैठाओगे? अगर मान लो 4-6 दोस्त आ गए आपके, तो आप कितने को बैठाओगे? एक दो को। अगर आपने उसमें 4-5 बिठा लिए, एक तो जगह नहीं है, दूसरा ट्रैफिक वाला भी रोक लेगा आपको। जीप में कोई नहीं, आप 10 बैठा लो, और जितनी बैठेंगे उतने ज़्यादा अच्छी चलेगी, जितने ज़्यादा बैठेंगे उससे ज़्यादा अच्छी। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
जीप का मतलब वही है, उसी को पता है जो गाड़ी रख रहा है, रख रहा है। एक जमाना ऐसा भी था जिस जमाने में लोगों के पास गाड़ियां नहीं हुआ करती, बिल्कुल सही कह रहा हूं। जब खाली सड़कों पे से किसी की गाड़ी निकलती थी तो लोग उनकी आवाज सुन के पहचान जाते थे कि ये किसी फला मियां की गाड़ी है या किसी। जीप लेगेसी को आगे लेके जाते हैं, लेगेसी खत्म नहीं करनी है, खत्म नहीं करनी। जैसे सलमान भाई का एक ग्रुप है भोपाल विलीज जीपीडब्ल्यू, उसके बारे में कुछ बताएं सलमान। उसके उसमें तो मैंने अपने बहुत सारे मेंबर जोड़ के रखे हैं। 2013 में मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, सोचा जीप ग्रुप होना चाहिए। तो मैंने भोपाल के पूरे एरिया से कुछ लड़कों को कलेक्ट करा जिनका बूटे जीप थी और नए मॉडल्स की भी जीप थी, सबको जोड़ा धीरे 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 जोड़ते जोड़ते मैंने ग्रुप बढ़ाया। तो वो उस ग्रुप के अंदर हर मॉडल की हर तरीके की जीप देखने को मिलेगी, लो मॉडल्स मिलेंगी, ओवरहेड मिलेंगी, 50-60s मिलेंगे, उसके अंदर हर मॉडल की जीप है। तो ऐसे क्या है कि हम जीप का जो ट्रेंड है भोपाली का उसको मेंटेन करें, क्योंकि आने वाली जनरेशन को पता भी तो चले कि जीप है क्या। अब भाई ये आई थिंक ये भोपाल में एक ही गाड़ी है कि 53 ओरिजिनल, इसके अलावा गाड़ी नहीं है। ओ भोपाल के अंदर सिर्फ एक ही है, 42 वगैरह होगी, 53 नहीं है भोपाल में, सिंगल है, सिर्फ सिंगल ही है, वो भी फुल ओरिजिनल है। पहले के लोग ओरिजिनलिटी को पसंद करते थे, आज नई टेक्नोलॉजी, आज नए बच्चे जो हैं वो नई को छोड़ करके लुक वाइज तो वैसी रहती है मगर उसको अल्टर करके उसको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, उसको काट पीट करके उसको बड़ी बनाते हैं, छोटी बनाते हैं, आड़ी टेढ़ी बना देते हैं, उसमें वो उनको इंटरेस्ट है, वो उसी हिसाब से चलते हैं। वो अभी भी बहुत चेंज है, आने वाले टाइम में और इससे ज़्यादा चेंजेस आएगी, मगर जीप को छोड़ेंगे नहीं लोग। आप करोड़ों की गाड़ी ले लें मगर आप उसमें ऐसी चलाते हैं, करोड़ों की गाड़ी लेकर के आप उसमें बैठ करके ऐसी चलाते हैं, कुदरती हवा नहीं मिलती इसमें, पूरी कुदरती हवा मिलती है इंसान को, तो आदमी पसंद ज़्यादातर जीप करता है। शाम के टाइम में अपने बैठे बच्चों को बिठाया, घूमते फिर रहे हैं, खुली हवा लग रही है और कुदरती माहौल मिल रहा है घूमने फिरने का उसको। अब ये जीप रखने के लिए आदमी को खर्चा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि फिर सामान नहीं मिलता है, फिर सामान ढूंढते फिरो, अगर कोई सामान पार्ट्स ख़राब हो गया तो इधर भाग रहा है, दिल्ली जा रहा है, इधर जा रहा है, तो पार्ट ढूंढते। तो जीप के बारे में ये है कि जीप रख तो लो, हमारे एक तरीके से हाथी है जीप, मगर हमसे अगर कोई पूछेगा कि अगर फोर व्हीलर रखना है तो हम तो कहेंगे जीप, जीप से बेटर कुछ नहीं है। कच्चा गड्ढा ब्रेकर कुछ भी हो कहीं भी निकल जा, कोई टेंशन नहीं है। से क्या खेत, अभी हम गांव पे गए तो एक नाला है, कम से कम 10 फीट गहरा नाला था, वो गाड़ी पूरी इतनी डूब गई थी, मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, ये पानी भरा हुआ था यहाँ तक, वो निकल गई थी गाड़ी, ये वाली पूरा गाड़ी में पानी भरा हुआ था, ये बच्चे सब थे मेरे साथ, ये पूरे स्क्रीन में पानी, सब यहाँ पानी था। तो नाले में से हमने निकाली, निकल गई गाड़ी, पानी में डूबी हुई थी इतनी गाड़ी में, पूरे सब डूब गए थे, वो ये सब आधी गाड़ी डूबी हुई थी मेरी। सिर्फ भोपाल ही नहीं, फिल्मों की नगरी बंबई ने भी जीप को बहुत सराहा, राजेश खन्ना से लेकर शाहरुख खान तक। शायद बंबई भोपाल ना आए पर भोपाल की जीप बंबई जरूर जाती है। इतने शौकीन लोगों के आप ये नहीं कह सकते किसकी गाड़ी अच्छी है, यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है, एक से बढ़ती एक गाड़ी है, अगर आपके लिए ये अच्छी है तो आपको थोड़ी देर बाद इससे अच्छी दिख जाएगी, उसके बाद आप कुछ दिन जाओगे तो उससे अच्छी दिख जाएगी और शौकीन भी दिख जाएंगे, और इतने बड़े शौकीन हैं, घर की हालत अच्छी नहीं होगी मगर गाड़ी अच्छी होगी, गाड़ी हालत अच्छी होगी। वो जीपें आदमी, मैंने कहा ना इतनी जीपों पे इन्वेस्ट करता है, वो इतना इन्वेस्ट करता है, लाखों सालों तो गाड़ी बनने में लग जाती है। अगर हम आज के टाइम में गाड़ी को हम मैकेनिक के पढ़ तक के आएंगे, डेंटर पेंटर किया, तो वो ये समझ लो साल 6 महीने गाड़ी बनाने में लगेगा, वो साल 6 महीने में आदमी इंतजार कर करके पागल हो जाता है, वो कहेगा ये भी होना और ये ख़राब लग गया, अब इसको निकाल के फेंक दो, अब ये भी होना,
साल साल दो दो साल में बनती है गाड़ी, दो दो साल लग जाते हैं गाड़ी बनने में। सामान नहीं मिलता तो खड़े होंगे, मिलेगा जब ही लगाएंगे। तो यहाँ पे शौक, जीप का शौक तो बहुत खतरनाक है वो। आप, हमने बहुत सी जगह देखा कि लेडीज़ कारों में, यहाँ तो भोपाल की लेडीज़ भी जीप में बैठना पसंद करती है, कहती नहीं कार नहीं जीप निकालो, जीप में बैठेंगे घूमने चलना है। बहुत से लोग सोचते होंगे अरे धूप हो रही है और हवा चल रही है, बालक यहाँ तो तैयार होने का, लेडीज़ ये भी कहती है हम तो जीप में चलेंगे। अब अक्सर मिल रहे लोग कहाँ चौड़े कार, हम कार में नहीं बैठते, हम लोग तो जीप तैयार हुए, चलो बच्चे के पापा जीप निकालना, तो जीप का यहाँ ज़्यादा क्रेज़ है। भोपाली लैंग्वेज में हमारे बोलते हैं चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा। खड़ी है गाड़ी तो खटारा, रोड पे लाके दिखाओ। अब हम लोगों की गाड़ियां तो चल रही है, आपकी का है, हम लोगों की ये गाड़ियाँ चल रही हैं भाई, बिल्कुल। हम लोगों की चलती का नाम ये गाड़ी है, और जिनकी गाड़ी है उनकी गाड़ी। अब आप देख सकते हैं ये हमारा भोपाल है, उसकी जगह तो हमें सीटों को नहीं बोलता है, सीटों को याद रखें। ये जीपें कुछ इस तरह भोपाल से जुड़ी हुई